मेरी बात ध्यान से सुने, इधर ना देखें। अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है जो हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, कौन से फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित कर सकते हैं। ये पूरा एक चार्ट है, ऐसा ही चार्ट शुरू में है। अभी मैं सिर्फ नाम नाम बताऊंगा आपको, फिर एक एक करके हम लिखेंगे और समझेंगे, और उसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश होने वाला होगा, यानी कि यहाँ पर एक्शन रिसर्च पर, तब फिर दोबारा से मैं यही चार्ट बनाऊंगा और फिर शॉर्ट में हम ट्रिक लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, नॉन में क्या होता है, ट्रू में क्या होता है, क्वासी में। अभी मैं बता दूंगा कि किसमें रैंडमाइजेशन होता है, किसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। तो आपको यही नहीं पता रैंडमाइजेशन क्या होता है, अभी आपको यही नहीं पता कंट्रोल ग्रुप क्या है, प्री टेस्ट क्या है, पोस्ट टेस्ट क्या है, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हमारा सिर्फ इस चार्ट को बनाने का मेन पर्पज़ है कि ये नाम नाम याद रखना कि कौन सी स्टडी कौन सी रिसर्च डिज़ाइन में आती है, और फिर हम एक एक करके से समझेंगे, फिर दोबारा चार्ट बनाएंगे लास्ट में। कुछ है कंपटीशन एग्जाम में, मैं बता दूं ये तो फिक्स है, इथेनोग्राफिक तो आता ही आता है आजकल। तो वापस से शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, तैयार हो जाइए आप लोग याद करने के लिए। सबसे पहले टॉपिक का नाम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन कितने तरह की होती है? रिसर्च डिज़ाइन क्लासीफाइड इंटू टू टाइप्स, कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। बहुत डिफरेंस क्या होता है दोनों में, वो वीडियो मैं शुरुआत में ही बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो रिसर्च डिज़ाइन कितने तरह की होती है? दो तरह की, कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सबसे पहले ईजी को ख़त्म कर देते हैं। ईजी क्या है? क्वालिटेटिव। पांच या छह टाइप हैं, बस वो टाइप याद कर लेते हैं तो एक तो ख़त्म हो, क्वांटिटेटिव बाद में देखेंगे। तो क्वालिटेटिव मतलब जिसमें क्वालिटी असेस की जाती है, उसमें कौन कौन से हैं? फिनोमिनोलॉजिकल, एथेनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल, एक्शन रिसर्च। सरप्राइज हो गए, याद नहीं हुए, शुरू से शुरू करते हैं। क्रम जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने पहले लिखा है तो ये इसके बाद ही आएगा, बस नाम नाम हमें याद रखने हैं। फिनोमिनोलॉजिकल होता है एक, एथेनोग्राफिक होता है एक, ग्राउंडेड थ्योरी होती है एक, केस स्टडी मेथड होता है, हिस्टोरिकल मेथड होता है, और एक्शन रिसर्च होती है। ये छह हैं, फिनोमिनोलॉजिकल, एथेनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी, हिस्टोरिकल एंड एक्शन रिसर्च। कुछ भी ट्रिक आप बना सकते हैं इसकी, कुछ भी ट्रिक आप बना सकते हैं। मैंने बना रखी है एज पे हाई कोर्ट, एज पे हाई कोर्ट या एज पे एचसी, एज पे एचसी या एज पे हाई कोर्ट। देखिए एज, ए फॉर एक्शन रिसर्च, जी फॉर ग्राउंडेड थ्योरी, ई फॉर एथेनोग्राफिक, पे पी फॉर फिनोमिनोलॉजिकल, हाई कोर्ट एच फॉर हिस्टोरिकल एंड सी फॉर केस स्टडी। तो एज पे हाई कोर्ट से आप याद रख सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन आपकी फिनिश। फिनोमिनोलॉजिकल इसी से ले लेते हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं। एज, ए फॉर एक्शन रिसर्च, जी फॉर ग्राउंडेड, ई फॉर एथेनोग्राफिक, पी फॉर फिनोमिनोलॉजिकल, एच फॉर हिस्टोरिकल एंड सी फॉर केस स्टडी मेथड। ये हो गई हमारी क्वालिटी वाली, यानी जिसमें हम सिर्फ फिनोमिना असेस करेंगे, वो क्वालिटी असेस करने वाली क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से इधर आ जाते हैं।